शून्य लागत प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी के चलते नादौन में एक दिवसीय किसान गोष्ठी की अध्यक्षता हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने की। किसान गोष्ठी का आयोजन आत्मा प्रोजेक्ट हमीरपुर द्वारा किया गया, जिसमें शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। शून्य लागत प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी के चलते नादौन में एक दिवसीय किसान गोष्ठी की अध्यक्षता हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने की। किसान गोष्ठी का आयोजन आत्मा प्रोजेक्ट हमीरपुर के द्वारा किया गया, जिसमें शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और संस्था से जुड़े 300 किसानों ने इसमें भाग लिया। इस शिविर में आत्मा प्रोजेक्ट निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने बताया कि हिमाचल सरकार ने किसानों के स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक खेती नामक योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 990 किसान इस खेती से जुड़ चुके हैं। लगभग 4000 किसानों को इस संस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस गोष्ठी में आत्मा के अध्यक्ष कमल शर्मा, भारतीय किसान संघ जिला हमीरपुर के अमीचंद, प्रमोद पठानी व अन्य गणमान्य कृषक मौजूद रहे। कि जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, आप धन संपदा से आपका कोई लगाव ना रह जाए और आपके लिए जो भी ये सारा पैसा धन दौलत है वो ऐसा लगे कि ये किसी काम की नहीं है, तो आपने समझना कि स्वास्थ्य में कुछ खराबी चल रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2016 की रिपोर्ट में कहा हुआ है कि ये जितनी भी खाने योग्य चीजें और जो खाने योग्य चीजें हैं वो लगभग 50% से ज्यादा उनमें रसायन मिला हुआ है, वो खाने के लिए ठीक नहीं है, दूर रह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्राकृतिक खेती के लिए ना तो आपने बीज नहीं बाहर से लाना है, ना कोई खाद आपने बाहर से लानी है और ना ही आपने किसी भी प्रकार का जो बीमारी और जो दवाई है वो कहीं से बाहर से लानी है। पूर्व विधायक एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आने की जरूरत है और शून्य लागत प्राकृतिक खेती को करके किसान अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि एक कहावत है, मैंने एक कोई बैठे बैठे कहावत याद आ रही थी और मैं बड़पौधे का बोलता भी हूँ कि इस समाज में हमारे देश में एक कहावत थी और वो कहावत ये थी, उत्तम खेती मध्यम कपार, चाकरी करे कोई कमार। यानी कि सबसे उत्तम खेती, सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है, कोई काम है करने वाला, तो वो खेती थी, उसके बाद व्यापार था, उसके बाद चाकरी यानी नौकरी थी। लेकिन अच्छा प्रमुख हो गया, आज नौकरी पहले नंबर पर आ गई, फिर व्यापार आ गया, उसके बाद क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने आराम से तो जिसमें पसीना ना बहे, केवल केवल एक कारण है कि जिसमें मेरा पसीना ना बहे मैं वो काम करूंगा। और खेती अगर आप करेंगे तो बिना पसीने की नहीं हो सकती। और इस सर्वे में व्हाइट कॉलर जॉब, मेरा कलर कहलाना हो ऐसी मेरे को नौकरी मिले, उसके लिए दौड़ होगी, शुरू होगी। और इस समाज में मान्यता भी बदलनी शुरू होगी, जिसको हम उत्तम खेती बोलते थे, उसमें जो खेती करने वाला व्यक्ति है उसको हम उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से हम नौकरी करने वाले को देखते, उसके मैट्रिमोनियल प्रोस्पेक्ट्स कम हो, शादी व्यक्ति अगर शादी होगी तो पहले नौकरी देखते। तो ये तो सारी हमारे अंदर यहाँ थोड़ी मान्यता बदलनी शुरू हुई, उसके कारण से खेती को धक्का लगा और उस धक्के के कारण से आज मैं यहाँ
बैठे हुए सोच रहा था, जब किसान इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके बोल रहे थे कि इस खेती से ये फायदा है, इस खेती से ये फायदा है, लेकिन इससे भाई फायदे तब होंगे जब आप खेती करेंगे, हम खेती करेंगे। इस वक्त ये समस्या नहीं कि आप प्राकृतिक खेती करेंगे कि नहीं करेंगे, करने के लिए आप प्रेरित हैं कि नहीं है। मेन समस्या तो मेरे को ये लगता है कि आज खेत पर खेती कहाँ नहीं करता। हम ईमानदारी से अगर अपने दिल से पूछेंगे कि हमने अपने हम करते खेती, लेकिन हमने अपने अपने बच्चों को मित्रों को खेत में लेके गए कि खेत होता है, ईमानदारी से पूछ लेते हमने अपने बच्चों को कभी ये बताने की कोशिश ही नहीं की थी कि खेती बाड़ी करना भी एक जीवन का बड़ा अभिन्न अंग है, उसके कारण से व्यक्ति को रोटी मिलती है, उसके कारण से पूरे समाज को रोटी मिलती है, किसान इस देश का इस ब्रह्मांड का अन्नदाता है, और जो अगर अन्नदाता काम नहीं करेगा, वो अन्न पैदा नहीं करेगा, तो किसी व्यक्ति को चाहे उसके पास जितने मर्जी पैसे हो, जितना मर्जी सोना हो, जितने मर्जी हथियार हो, जितना मर्जी उसके पास ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें हो, लेकिन अगर अन्न नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, तो कुछ खा नहीं पाएगा।